दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में कैसे चले आपकी तैयारी तो इधर दो तीन खबरें आई हैं न्यूज़ थोड़ा सा व्यस्तता था और तो मौसम थोड़ा सा बदल रहा है डेंगू की बीमारी बहुत धड़ल्ले से आम हो गई है सबको हो रहा है आप लोग ध्यान रखिए जो छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं वो भी और जो तैयारी करने वाले हैं वो भी इधर बिहार कांस्टेबल की जो पहली पारी की पहले दिन की एग्जाम हुई थी पेपर लीक हो गया था और काफ़ी लोगों के प्रयास से काफ़ी टीचर्स के प्रयास से उस एग्जाम को आ, कैंसिल कराया जा सका है इसमें एक अमित तिवारी सर थे उनको मैं देख रहा था उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है सब कुछ के और बाकी और भी टीचर्स थे मीडिया वाले और पत्रकार हम लोगों से भी जो बन पड़ा छोटा बहुत क्योंकि हम लोग काफ़ी इस फील्ड में नए हैं और थोड़ी सी हम लोग की बाध्यता भी है हालांकि जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे बाई प्रोसीजर क्या है यहाँ आप टैग करिए इनसे सवाल जवाब शुरुआत में तो जब बहुत अच्छे पुख्ता सबूत नहीं मिले थे तो चेयरमैन का निर्देश आया था कि अभी इस पे जांच की जाएगी हालांकि अगले दिन काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया बेहतर निर्णय है छात्रों के हित में है जो मेहनत करेंगे उनको ही फायदा होना चाहिए भी उचित है सरकार ने इस पे निर्णय लिया है और इसके साथ साथ दोनों पालियों के एग्ज़ाम को उन्होंने कैंसिल कर दिया अब हालांकि छात्र बहुत क्रिएटिव हो गए हैं छात्र हैं स्पैमर हैं कौन है उन्होंने फिर से एक नया डेट भी खुद से रिलीज कर दिया है मुझे याद है एक सेम चीज़ एक डेढ़ साल पहले हुआ था बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से भी पहले आजकल थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का टाइम चल गया तो फटाफटे कर देते हैं हालांकि अब का मेन बात यह है मैं एक ये कहना चाहूँगा कि बिहार पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव हो गई है बिहार पुलिस जो हम लोग से जुड़े उन लोगों मैंने बताया था कि बिहार पुलिस का जो फेसबुक पेज है इंस्टाग्राम पेज है और ट्विटर के पेज हैं उन पे आप उनको टैग करते हुए अपनी बातें लिखिए प्रूफ दीजिए क्योंकि हर चीज़ पे आजकल एक्शन लिया जा रहा है और जो अभी हुआ है बिहार पुलिस में इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं तो मिला जुला के शुरू में तो हताशा टाइप के सभी छात्रों को लगता है जैसे वो एग्ज़ाम देके आते हैं लेकिन हर चीज़ इतना जल्दी बहुत जल्दी नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा समय लगता है और न्याय मिलता है उनको अपना रिजल्ट मिलता है सब कुछ इतना पेन था तो आयोग है एक बड़ी संस्था है फिर एक जो मतलब कोऑर्डिनेट करने वाले संस्था हैं वो पहले अपना जांच करती हैं कैसे हुआ क्या हुआ उनके पास बहुत सारे मतलब तरीक़े हैं और उन तरीकों से वो अपना काम करती है तो उनको कहीं ना कहीं सच्चाई मिला तो उन्होंने इसको कैंसिल किया है और साथ इन सिक्योरिटी रहा होगा सात और पंद्रह हो तो उसको भी आ, आ, मतलब कैंसिल कर दिया गया है ना और अभी नया डेट रिलीज नहीं किया गया हालांकि इसमें ज़्यादा समय एक से डेढ़ महीने लगना चाहिए आयोग अपनी तैयारी पूरी करें मेन क्या है कि अब इसमें फिर से अब वो सोचेंगे बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है ना इतनी भारी संख्या में तो प्लान करेंगे लेट होगा यदि सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो दिसंबर विसम्बर तक में एक और इसकी प्रक्रिया जो फिजिकल का है वो भी शुरू होता है देखिए क्या होता है हालांकि जिन्होंने नहीं पढ़ाई करा था थोड़ा सा पीछे रह गए थे उनके लिए एक मोमेंटम है एक समय है फिजिकल को भी ठीक करना है फिजिकल के साथ साथ आपको पढ़ाई पर भी जो छूटी हुई चीज़ें हैं उसको फोकस कीजिए प्रश्नों का लेवल आपने देखा है बहुत ज़्यादा ना आसान रहा है, ना मुश्किल रहा है। ठीक ठाक है जो आप पढ़ते हैं तैयारी करते हैं एक समान्य स्टूडेंट के लिए तो आप तैयारी करते रहिए बिहार दरोगा की वैकेंसी भी आ गई है यदि आप फिजिकल थोड़ा बहुत करते रहेंगे कॉन्स्टेबल वाले को लेके स्पेसिफिकली तो यहाँ भी आपको फ़ायदा होगा बिहार दरोगा के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि दोनों तरफ से कॉम्पिटिशन है बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं और मतलब इस जॉब में बहुत मतलब एग्ज़ाम में बाकी एग्जाम की तुलना में बिहार में मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टेजेस पे फ़ायदा है साफ सफाई से एग्ज़ाम भी हो रहा है समय से रिजल्ट भी मिल रहा है और एक जो भौकाली टाइप का आप लोगों को सीन चाहिए था वो भी इस जॉब में है सीट कम है लोग ज़्यादा हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है तो अपने तैयारी को एकदम मजबूत करना है तो लग जाइए अब एग्ज़ाम का डेट क्या होता है कैसे होता है जल्द ही कुछ ना कुछ इस पर निर्णय निकलेगा हालाँकि चार महीने पाँच महीने जनवरी फरवरी में कभी ना कभी कुछ होगा फॉर्म भरिए सही से फॉर्म भरिएगा नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ या सब तो बाद में आपको नुकसान होगा वो सब नहीं झेलना है अभी फोकस करना है पढ़ाई पर तो उसको ये करिए दिन से वीडियो तीन दिन हो गए लेकिन चलिए मिलते हैं साथ तब तक के लिए हाँ